हेलो हेलो अगली कुश्ती सोनू चौड़ी मुश्ताक पठानकोट। सोनू और मुश्ताक कृपया करके ये भी अखाड़े के बीच आ जाए ताकि रैफरियों को भी कुश्ती में छोड़ने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये दोनों पहलवान जो कि अभी कुश्ती होने जा रही है इसके बाद तैयार रहेंगे शौकत पठानकोट दीपक साला। शौकत पठानकोट और दीपक साला के बीच जो तीसरी कुश्ती की बताई गई है वो भी कृपया करके रेडी रहें और अखाड़े में आ जाए कृपया करके ताकि रेफरी को कोई दिक्कत में। आप आते नहीं जल्दी और पीछे भी से रहते हो, आपका नाम मुश्ताक नहीं है। जो एक बार अनाउंसमेंट कर दी गई है वो कृपया करके अखाड़े के बीच चले जाए ताकि रेफरी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो छोड़ने में। चौकत पठानकोट पठानकोट दीपक साला और रेफरी को कृपया ध्यान रखें, ये छोटे वेट की कुश्तियां हैं और काफी कुश्ती कुश्ती से होती है इसलिए कृपया करके रेफरी एक एक वेट को देखें, एक जगह इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो काफी अच्छी कुश्ती होती है। अंडर 19 की अगली कुश्ती ये शौकत और दीपक वाली चली है ना। हाँ इसका ध्यान रखना। अभी दूसरी देखो विशाल खुई दीपक चौड़ी। दीपक अखाड़े में आए नाम लिखवा के गायब हो जाते हैं ये बच्चे। दीपक चुवाड़ी कहाँ है भाई? अगर एक दो तीन करो अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो दूसरे खिलाड़ी के साथ उसकी कुश्ती करवाई जाए। जिस खिलाड़ी को बोला जाता है वो बाहर ना जाए, कुश्ती लड़ने के लिए अंदर रहे। रेफरी ध्यान दे कुश्तियों का, अखाड़ा खाली नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। लड़ेगा ये कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ नहीं जाए कोई। तो कृपया करके जो भी पहलवान है अपनी जो लंगर है वो पहन ले ताकि एक बात। हेलो ये कुश्ती एक और विशाल हुई साहिल भले ही
ये भी पहलवानों के नाम लिए हैं, विशाल भूमि और साहिल प्ले के बीच वो कृपया करके हमारी फर्स्ट राउंड की कुश्ती अभी समाप्त होने जा रही है।
वो भी फर्स्ट राउंड लड़ ले, नहीं तो बाद में ना बोले कि हमें भाई हम लेट हो गए, ये है। एक बार राउंड खत्म होने के बाद दोबारा दूसरे राउंड में किसी भी फर्स्ट कुश्ती नहीं करवाई जाएगी। कृपा करके जो अखाड़े की सीमा हमने बनाई है उससे बाहर ही बैठकर सामान्य जनता कुश्तियों का नजारा लेगी। मेरा बार बार अनुरोध है, राकेश जी ये जो अंडर 19 की जो वेट है उनको क्लियर करें पहले अंडर 19 वालों का, ताकि फिर नेक्स्ट फोर का अच्छा जो कुश्ती है वो जुड़ी जा सके। राजनी लोग ध्यान दें, चलते रहे जरा और कुश्तियों की ओर पैनी नजर रखें, बनाए रखे आज की तरह, ताकि पता चले कि ये निर्णय बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। बहुत ही रेफरियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत जोर की कुश्तियां करवा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसे जैसे दर्शकों का हजूम बढ़ रहा है वैसे ही हमारा भी जोश बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगर किसी के नजर में आए तो ये हमारे ध्यान में लाएं।
ये छोटे बच्चे की शैली है ये। धन्यवाद। नियम बता दिए गए हैं, वोट नहीं पकड़ना है, अखाड़े के बाहर जो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई होगा और पॉइंट जो पहला पॉइंट लेगा वही विनर होगा। पहली बाउट है सक्षम वर्सेस विशाल बगड़ार, दूसरी सूर्य चंबी वर्सेस राहुल सतवा, तीसरी वैभव वर्सेस शौकत पठानकोट, तीसरी ऋतिक वर्सेस अबू सतवा और चौथी रहेगी साहिब कलई। और एक ऋतिक, दो ऋतिक है, दूसरा ऋतिक कौन है? विशाल
लिए सक्षम कहें सक्षम सक्षम वर्सेस विशाल बड़ा पृथ्वी जी देखो एक कुश्ती देखो सक्षम वर्सेस विशाल बड़गार सूरज चंपी कहाँ है भाई हाँ तैयार हो जाओ राहुल सतवा राहुल कहाँ है चलो राहुल अंडर 19 दूसरे राउंड की ये पहली कुश्ती शुरू हो चुकी है मेरा प्रवान भाई उसे बार बार निकल जाएगा कि जल्दी से जल्दी अखाड़े के बीच में पहुंचे इसको देखें ये हाथ खड़ा करें दोनों सूरज चंबी और राहुल सतवा इसके बाद बैरव और शौकत पठानकोट आपको जानकारी दे दूं ये शिंग मेला तीन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत बुढ़ार ग्राम पंचायत चून और ग्राम पंचायत सुबलो द्वारा आयोजित किया जा रहा है हेलो ऋतिक ऋतिक और अपू सतवा ये दोनों आ गए हैं अपू सतवा कहाँ है भाई
मेला कमेटी बगड़ा चून सुनेरू आए हुए सभी लोगों का नजर रख सके अखाड़े में ज्यादा से ज्यादा चार कुश्तियों को ही चला गए। मेला कमेटी द्वारा आयोजित मेले का यह आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रेफरी के रूप में हमारे पास संजय कुमार जी गढ़वाल से, राकेश कुमार जी गढ़वाल से, छोटा कहीं बैठे हुए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया
कुश्तियों का जो मनोरंजन है वो जमीन के बाहर बैठकर जल्दी से जल्दी अखाड़े के बीच पहुंचे।
उनसे निवेदन रहेगा कि अंडर 90 की कुश्तियां जल्दी से जल्दी करवाई जाए। कमेटी बदलाव द्वारा आयोजित इस मेले में